सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन गेमिंग। बाकी आपको ये वीडियो में टीम मॉडल वर्सेस जॉनथन वर्सेस पायल वर्सेस ट्रिगर इंसान और बहुत कुछ फाइट देखने को मिलने वाला है, जहाँ पे रैंगल के मैप में टीम मॉडल ने चिकन निकाला था और ये एक इवेंट है, लैन इवेंट था। और बाकी मैच में जाने से पहले चैनल पे जो भी नया सब्सक्राइब कर देना है। अब चलते हैं सीधा मैच की तरफ। तो आपको बचते हुए दिखाई देगी घायल टाइगर, वो भी डाउन। डायनमो वो भी प्ले जोन के बाहर डाउन हो गए। मॉडल एक बढ़िया शॉट चीकी, उनको भी डाउन किया जाएगा। और आई प्रीत, अब वो बचते हैं एक आखिरी खिलाड़ी। टाइगर वो भी समाप्त हुए, चीकी वो भी समाप्त कर दिए गए। पायल वर्सेस मॉडल, इन दोनों टीम के बीच में फाइट हो सकती है। 6 फिनिशर्स वो ऑलरेडी आ चुके टीम पायल के पास, और साथ ही साथ मैन एडवांटेज वो टीम पायल के पास रहने वाला है। मुझे लगता है कि इस मुकाबले का चिकन डिनर वो कहीं ना कहीं टीम पायल के पास ही जाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि एक 4v2v1 की ये सिचुएशन है। बस देखना ये कि क्या टीम मॉडल यहां से कुछ अलग करके जाने वाली है, क्या कुछ मिराकल हमें देखने को मिलने वाले हैं। ग्रेनेड का इस्तेमाल कर रहे हैं मॉर्टल, और हम सब जानते हैं कि कितना बेहतर वो ग्रेनेडिंग स्किल्स हमें देखने को मिलती है। आईप्रीत वाईटी की बात करें, थोड़ा सा कोशिश थी एक नॉक निकालने की, बट अभी के लिए मात्र डैमेज ही दे पाए। थोड़ा और इंतजार करना चाहिए था और आसानी से वो उस खिलाड़ी को एलिमिनेट कर सकते थे। पर अगर बात की जाए आईप्रीत की, तो बढ़िया ट्रिगर डिसिप्लिन उन्होंने दिखाया है। इंतजार कर रहे हैं और देखना यह है कि अब इस इंतजार का फल किस तरीके से उनको मिल सकता है। मॉर्टल धीरे धीरे बहुत करीब जाते हुए आईप्रीत के, पायल उनके तीन खिलाड़ी एक साथ आपको दिखाई देंगे। चौथा खिलाड़ी थोड़ा दूर पर था, मॉर्टल उन्होंने डाउन किया अजय को, और इसी के साथ देखना ये आईप्रीत क्या वो यहाँ पे फिनिशर निकाल सकते हैं। वादियार उनको भी डाउन किया गया। आईप्रीत वो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे, उनको भी समाप्त कर दिया गया। मॉर्टल वो डाउन करेंगे पायल के आखिरी खिलाड़ी को, और इसी के साथ मॉर्टल ये पहला विनर विनर चिकन डिनर निकालेंगे अपनी टीम के लिए। द इमॉर्टल मॉर्टल ही राइजेस अगेन, और एक बार फिर से उन्होंने प्रूव किया है कि रस्टिनेस थोड़ी बहुत जरूर है, लेकिन उनको पता है कि किस प्रकार से वो चिकन डिनर अपने नाम लेकर के जाएंगे 2v4v1 की फाइट। और वहां पर पायल की टीम के जबड़ों से जाना चाहता नहीं था, पर उसके अलावा कोई और रास्ता था भी नहीं। गए डैमेज उनको पड़ा, मॉर्टल उनको भी स्पॉट किया जाएगा, और कुबरा भाई उनको डाउन किया गया है पायल के द्वारा। उनके प्रतिद्वंदी है, अगर उनको डाउन कर दिया जाता है मॉर्टल के द्वारा, पायल उनको भी समाप्त किया गया। मॉर्टल एक शानदार स्प्रे, 3 फिनिशेस, बट टीम पायल इसी के साथ चौथे पायदान पर बाहर। जी हाँ, पांचवा पायदान उनके पास जाएगा जरूर। और इसी के साथ आप देखिए कि अब तो लगभग तय हो चुका है कि ये मुकाबला और ये वो जो ट्रॉफी है वो किसके पास जाने वाली है। अभी भी अगर आप बात करें मॉर्टल की, वो रुकने वाले हैं नहीं, और कुछ और फिनिशर्स जो वो निकालना चाहेंगे। 2 फिनिशर्स उन्होंने टीम पायल के ऊपर निकाले, और 2 अन्य फिनिशर्स जो उनके टीममेट निकाल करके गए हैं। तो वो चमचमाती हुई ट्रॉफी मुझे तो लगता है कि टीम मॉर्टल ही उठाने वाली है। बिल्कुल, क्योंकि इस मैच में 4 ऑलरेडी फिनिशर्स निकाल चुके हैं, और यहां पर भी वो एलिमिनेट होते हैं तो भी वो 5 प्लेसमेंट पॉइंट लेकर जाने वाले हैं। अभी भी M249 का इस्तेमाल किया जा रहा है मिस्टर टॉम बॉय के द्वारा, हालांकि फिनिशर्स नहीं निकाले, पर मैं देखना चाहता हूं उस टीम में कितने ज्यादा फिनिशर्स निकाले जा चुके हैं। जॉनथन वो 9 फिनिशर्स के साथ खिलाड़ी आपको दिखाई देगा, और 9 के 9 फिनिशर्स जॉनथन के खाते में। फेस मी उनको भी डाउन किया गया, और टीम जॉनथन स्नेहिल बचते हैं वो आखिरी खिलाड़ी। क्या देखना है कि वो रिवाइवल कितना बेहतर तरीके से देकर के जा पाएंगे। अगर टीम मॉर्टल यहाँ पे एलिमिनेट होती है, अभी भी एक चांस रह सकता है कि टीम जॉनथन वो उनसे थोड़ा आसपास जाते हुए नजर आए, बट रिवाइवल दिया जाएगा। टीम विली की बात करें, इस मुकाबले में बहुत ज्यादा बेहतरीन खेलते हुए नजर आए। विली ने खुद 6 फिनिशेस निकाले हैं, टोटल टीम के पास वो 9 फिनिशेस रहने वाले हैं। जॉनथन एक बार फिर से वो आगे बढ़ने की कोशिश कर जरूर रहे हैं। 2 खिलाड़ी शेष है टीम जॉनथन के, बट सर्कल 9 मीटर का फासला अभी भी तय करना है। 4 फर्स्ट एड जो स्नेहिल ओपी के पास हमें देखने को मिल जरूर रहे हैं। आगे जाने की कोशिश है जरूर, स्प्रेस भी दिए जा रहे हैं, बट ये खिलाड़ी विली मुश्किलें बढ़ाएगा टीम जॉनथन की बहुत ज्यादा, और मुझे लगता नहीं है कि स्नेहिल उनको ज्यादा आता पता होगा। बट इसी के साथ कुबरा भाई उनको भी डाउन किया जाएगा, मॉर्टल उनको भी डाउन किया जाएगा जॉनथन के द्वारा। 11 टोटल फिनिशेस उस खिलाड़ी के पास है, अगर तो और निकालते हैं 13। बाकी आपको ये फाइट कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना, और साथ में वो चिकन डिनर। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही फनी मोमेंट और कुछ ऐसे ही चिकन और कुछ अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप प्लेइंग, कीप सपोर्टिंग एंड बाय।